हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं दोस्तों, रूल क्या है उसका। तो उसका रूल है, हम लोगों को याद है, मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या है, मतलब स्ट्रक्चर क्या है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल। तो हम लोगों को निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट जोड़ देना होता है, बस हो गया। तो हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसे आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट, ये नॉट जोड़ दिया, ये क्या है हैव हैज हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में नॉट लगा दिया तो सेंटेंस निगेटिव हो गया। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो हिंदी में सेंटेंस कैसे बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने खत लिखा है या फिर मैं खत लिख चुका हूँ। तो हम लोगों को उसका निगेटिव बनाना है, तो निगेटिव बनाना है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैं खत लिख चुका हूँ तो उसका कैसे आएगा, तो मैं खत नहीं लिख चुका हूँ या फिर मैं खत लिख नहीं चुका हूँ। तो पहला वाला एग्जांपल हम लोग ले, मैं खत लिख नहीं चुका हूँ या फिर नहीं लिख चुका हूँ, मैं खत नहीं लिख चुका हूँ। तो सेंटेंस में हम लोग देखेंगे अब स्ट्रक्चर वाइज कैसे करते हैं। तो आई, मैं मतलब आई, आई के सामने आता है हैव, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में वी थ्री, मतलब काम कौन सा है लिखने का, तो वी थ्री क्या है, राइट रोट रिटर्न, तो यहाँ पे वी थ्री रिटर्न, आई हैव नॉट रिटर्न, खत मतलब लेटर, तुम मुझे धोखा नहीं दे चुके हो, तुम मुझे धोखा नहीं दे चुके हो। धोखा देने के लिए मतलब बहुत सारे वर्ब्स है, बैम्बूजल, बिट्रे और चीट, डिफ्रॉड, हम लोग इसमें से कोई भी ले सकते हैं, तो हम जनरली चीट लेंगे। वो काम का यहाँ पे कौन कर रहा है, तुम मतलब ये यू के सामने हैव हैज में से क्या आता है, हैव, नेक्स्ट में क्या है नॉट, तुम मुझे धोखा नहीं दे चुके हो, यू हैव नॉट। अब काम कौन सा है धोखा देने का, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चीट, बिट्रेड, बैम्बूजल्ड, चीटेड, यू हैव नॉट चीटेड टू मी। मैं टीवी नहीं तोड़ चुका हूं, मतलब आई, अब काम कौन सा है, आई के बाद में आता है हैव, मैं टीवी नहीं तोड़ चुका हूं, तो आई हैव, उसके बाद में नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आई हैव नॉट। अब ब्रेक मतलब तोड़ना, तो भी हम लोगों को यहाँ पे चाहिए वी थ्री, तो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, आई हैव नॉट ब्रोकन अ टीवी, मतलब मैं टीवी नहीं तोड़ चुका। हम इलेक्शन में वोट नहीं दे चुके हैं, हम इलेक्शन में वोट नहीं दे चुके हैं, हम इलेक्शन में, इलेक्शन मतलब मतदान में, हमारा वोट नहीं दे चुके, वोट नहीं दे चुके हैं। तो ऐसे गलत बात है दोस्तों, हर किसी को वोटिंग करनी ही चाहिए, अगर हम लोगों को डेमोक्रेसी को अगर हम लोगों को जिंदा रखना है या फिर इन ऑर्डर में रखना है, तब हम लोगों को वी मस्ट वोट टू सिक्योर अवर डेमोक्रेसी, अदरवाइज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑटोक्रेसी। हम इलेक्शन में वोट नहीं दे चुके हैं, हम मतलब वी, वी के बाद आता है हैव, उसके बाद में नॉट, वी हैव नॉट। वोट देना मतलब वोट, या फिर गिव का हम लोग अगर इस्तेमाल करते हो गिवन होगा, वी हैव नॉट गिवन अ वोट, या फिर बहुत सारे वोट है तो वोट्स, हम है तो बहुत सारे वोट्स होंगे, हो तो वी हैव नॉट गिवन वोट्स इन द इलेक्शन, तो हम लोग वोट का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो वोट को हम लोग लगाएंगे डी, वी हैव नॉट वोटेड इन द इलेक्शन। बट फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, सीता राम के बारे में सोच नहीं चुकी है, तो हम लोग केवल हिंदी में अभी लिखेंगे, सीता काम कर रही है, सीता इज अ सिंगुलर नाउन, तो हम लोगों को हैज में से हैज लिखना पड़ेगा, सीता हैज, उसके बाद में नॉट, सोचने को क्या बोलते हैं अभी, थिंक, उसका वी थ्री थॉट, सीता राम के बारे में सोच नहीं चुकी है, सीता हैज नॉट थॉट राम के बारे में, मतलब के बारे में मतलब अबाउट, और राम के बारे में मतलब अबाउट राम।
सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला सेंटेंस, राजा अपने राज्य का त्याग नहीं कर चुका है। नया वाला भाग, राजा मतलब किंग। देखिए राजा किंग मतलब जनरल राजा है तो किंग, अगर राजा से बड़ा सम्राट है तो एम्परर, तो किंग, किंग एक है इसकी वजह से हैज, उसके बाद में नॉट, किंग हैज नॉट, अब त्याग करना, उसको एबडिकेट बोला जाएगा, गिव अप बोला जाएगा या फिर एबडिकेट बोला जाएगा, बराबर है। तो हम लोग नया वाला लेते हैं एबडिकेट। एबडिकेट हम लोगों को चाहिए यहाँ पे V3 मतलब एबडिकेटेड, किंग हैज नॉट एबडिकेटेड हिज, राज्य मतलब रिगाइन या फिर रिजिम बोलते हैं इसको, REGIME, उसको REIGN भी बोला जाता है, रेन मतलब भी उसका साम्राज्य, या फिर एम्पायर, तो कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, रिजिम या फिर रेन या फिर एम्पायर। किंग हैज नॉट एबडिकेटेड हिज रिजिम मतलब राजा अपनी अपने साम्राज्य को छोड़ नहीं चुका है। कैटरीना सलमान से शादी नहीं कर चुकी है, नया वाला हम लोग अभी वर्ब देखेंगे। कैटरीना सलमान से शादी नहीं कर चुकी है, तो दोस्तों यहाँ पे काम कौन कर रहा है, कैटरीना, कैटरीना मीन्स कैटरीना कैफ द फेमस एक्ट्रेस। कैटरीना इज अ सिंगुलर नाउन, तो हम लोगों को लेना है हैज में से हैज, कैटरीना हैज, उसके बाद में नॉट, कैटरीना हैज नॉट, अब काम कौन सा है, शादी करना, तो उसको मैरी या फिर वेड ऐसा बोलते हैं, तो पर्टिकुलर मैरिज के लिए वो तीन चार वर्ड्स है, मैट्रिमनी मतलब भी मैरिज, स्पाउस मतलब भी मैरिज, और मैरी को मैरिज हम लोग को मतलब मैरिज, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, मैरिज मैट्रिमनी, सॉरी मैट्रिमनी, स्पाउस या फिर वेडिंग, तो ये शादी के लिए चार आप लोगों को वर्ड मतलब नाउन मिल चुके हैं, तो ये याद रखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, वेड ले सकते हैं या फिर मैरिज, तो हम लोग जनरल लेंगे मैरी का मैरिड। कैटरीना हैज नॉट मैरिड विथ सलमान खान मतलब सलमान, ये सेंटेंस ऐसा भी लिख सकते हैं, कैटरीना हैज नॉट वेडेड विथ सलमान, तो ये सेंटेंस हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कैटरीना हैज नॉट गॉट मैरिड विथ सलमान। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, अभी हम लोग नए नए एग्जांपल्स लेंगे। मैं एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स हासिल नहीं कर चुका हूँ, मैं एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स मतलब मैं परीक्षा में, दिस मे बी द लास्ट एग्जांपल ऑफ अवर निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं परीक्षा में ज़्यादा मार्क्स मतलब हासिल नहीं कर चुका हूँ, मैं परीक्षा में ज़्यादा मार्क्स हासिल नहीं कर चुका हूँ, कर चुका हूँ, अब यहाँ पर काम कौन कर रहा है मतलब नहीं कर रहा है, आई, आई के बाद में आता है हैव, आई हैव, उसके बाद में है नॉट, आई हैव नॉट, अब हासिल करने को हम लोग ले सकते हैं गेट, एक्वायर, यहाँ पर एक ही सी चाहिए, सॉरी एक्वायर, उसके बाद में ऑब्टेन या फिर अटेन, तो इनमें से हम लोग या फिर अचीव, बहुत सारे वर्ड्स मतलब एक एक मीनिंग के लिए बहुत सारे वर्ड्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव नॉट इसमें से कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, तो हम लोग लेंगे ऑब्टेन, ऑब्टेन को ईडी लगेगा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे चाहिए परफेक्ट टेंस में V3, आई हैव नॉट ऑब्टेन, अब ज़्यादा मार्क्स मतलब मोर मार्क्स, मोर मार्क्स, अब एग्जाम में मतलब इन द एग्जाम, आई हैव नॉट ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स इन द एग्जाम, तो हम लोग बोलचाल में मतलब हैव नॉट को एक डायरेक्ट हैवंट भी बोलते हैं, आई हैवंट ऑब्टेन्ड मोर मार्क्स इन द एग्जाम, तो उसको ऐसे लिखा जाता है हैवंट शॉर्ट फॉर्म में, तो आगे मैं आपको बोलूँगा मतलब सबके शॉर्ट फॉर्म आपको किसी दिन बताऊँगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग लेंगे नेक्स्ट वाला हमारा निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो हम लोग एक वीडियो में दो टेंसेस का निगेटिव हम लोग देख रहे हैं अभी। फ्रेंड्स आइए देखते हैं इसका रूल क्या है, निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस,
तो रूल क्या है हम लोगों को मालूम है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप यू हैव मेमोराइज्ड इट, हम लोग आप लोगों ने वो मेमोराइज किया होगा। तो ये हम लोगों को निगेटिव करना है, मतलब क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट डालना है। तो रूल कैसे आएगा निगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट होगा, नॉट प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो गया रूल, मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं करते आ रहा हूँ। तो ओरिजिनल कैसा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, मतलब मैं 2 घंटे से पढ़ाई करते आ रहा हूँ। तो हम लोगों को नहीं जोड़ना है, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं करते आ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं करते आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं फिर एक बार माफी चाहूंगा, आपको बीच बीच में वो बकरियों की आवाज आ रही है, लेकिन मुझे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आई हैव नो ऑप्शन टू अवॉइड दिस, बिकॉज मेरे जो पड़ोसी है उनके घर में बहुत सारी बकरियां हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैं दिन में कभी भी वीडियो बनाऊँ तो आपको बकरियों की आवाज़ तो आनी ही है। तो कुछ दिन अगर मैं कुछ जब तक मैं कुछ अलग इंतजाम नहीं कर लेता तब तक आपको इसके साथ प्लीज़ एंड्योर दिस फॉर मी, एंड आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट टू हेल्प यू टू टीच इंग्लिश ग्रामर मोर इफेक्टिवली एंड ईजीली। तो फ्रेंड्स प्लीज आई बिग योर पार्डन फॉर हैविंग द इनकन्वीनियंस ऑफ सच एन नॉइस। सो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं करते आ रहा हूँ, मतलब काम कौन कर रहा है, आई, आई के बाद में क्या आता है हेल्पिंग वर्ब आई हैव, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में क्या है वी वन क्या है पढ़ाई करने बोलते हैं स्टडी STUDY, उसको लगाएंगे हम लोग आईएनजी सफिक्स, आई हैव नॉट स्टडिंग, अब 2 घंटे से मतलब फॉर 2 आवर्स। शिक्षक हमें नहीं पढ़ाते आ रहे हैं, मैं भी हिंदी में नहीं लिखता हूँ, शिक्षक मतलब टीचर, टीचर एक ही है सिंगुलर नाउन में से हैज में से हैज, उसके बाद में नॉट, टीचर हैज नॉट, काम कौन सा है पढ़ाने का मतलब टीच, उसको लगाएंगे हम लोग आईएनजी सफिक्स, टीचर हैज नॉट टीचिंग हमें मतलब अस, बस टीचर हमें पढ़ाते नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल फ्रेंड्स, मैं टीवी नहीं देखते आ रहा हूँ, या फिर मैं बहुत हो चुका है अभी हम लोग लेंगे, वह टीवी नहीं देखते आ चुका है, वह टीवी वह मतलब आ चुका है मतलब ही लड़का है, ही के बाद आता है हैज, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है नॉट, उसके बाद में काम कौन सा शुरू है देखने का, उसको सी या वॉच, तो टीवी देखने को आमतौर पर वॉच लेते हैं, तो उसको हम लोग लगाएंगे वी वन प्लस आईएनजी, आईएनजी ही हैज नॉट वॉचिंग, अब क्या अ टीवी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले 2-3 एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, मैं घर में खाना नहीं पका चुका हूँ, तो ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा, कैसा आएगा एग्जैक्ट सेंटेंस, मैं घर में खाना पकाते नहीं आ रहा हूँ, मैं घर में खाना पकाते नहीं आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आई हैव नॉट बीन कुकिंग फूड इन माय होम, आई हैवंट बीन कुकिंग फूड इन माय होम। दूसरा वाला सेंटेंस, सचिन सेंचुरी नहीं बनाते आ रहा है, सचिन हैज नॉट बीन मेकिंग अ सेंचुरी, हो गया सचिन हैजंट बीन मेकिंग अ सेंचुरी। वह खेत में कुआं खोदते नहीं आ रही है, अब लड़की है तो शी हैज नॉट बीन डिगिंग अ वेल इन द फार्म, हम खेत में कुआं नहीं खोदते आ रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन डिगिंग अ वेल इन द फार्म, तुम खेत में कुआं नहीं खोदते आ रहे हो, मतलब यू हैव नॉट बीन डिगिंग अ वेल इन द फार्म। तो ऐसा हम लोगों को बनाते आना चाहिए, वी मस्ट नो हाउ टू फॉर्म द सेंटेंसेस, फॉर मेकिंग सेंटेंसेज वी मस्ट मेमोराइज ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेंसेज एंड वी मस्ट नो द एंटायर नॉलेज अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। इफ यू हैवंट सीन माई पार्ट ऑफ स्पीच वीडियोज देन प्लीज गो टू द प्ले लिस्ट एंड देर इज अ सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, बाई गोइंग दैट सेक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच यू कैन वॉच माई ऑल वीडियोज, आई हैव मेड और आई हैव क्रिएटेड मोर दैन 25 वीडियोज ऑफ जस्ट पार्ट ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स डू वॉच माई वीडियोज, I appeal to all of you, please subscribe my channel and press the bell icon because it gives me motivation to grow my channel because my monetary condition is not too well, so I need your help. So friends, आज के लिए केवल इतना ही, तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, मतलब हमारा नया टॉपिक है अभी
निगेटिव सेंटेंस ऑफ पास्ट टेंस हम लोग शुरुआत करेंगे, तो आज शाम में या कल आपको वीडियो उसका मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, और बस अभी बोलने को ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स बाय, थैंक यू।